आप लोगों का जो मेरा चैनल देखते हैं उसको पसंद करते हैं। Assalamualaikum everyone, this is me मेहरीन दानिश, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अब मेरा ख्याल से जो भी व्लॉग है ना, वो जब सनसेट होने वाला होगा ना, तब बन सकते हैं, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी है, बाहर जाने का ये मतलब है कि आप लोगों को ना किसी हॉस्पिटल का विजिट करवाऊँ, अल्लाह रहम करे वैसे सबके साथ, लेकिन सीरियसली बाहर इतनी ही गर्मी है कि अगर आप लोग गर्मी में जाते हैं ना, तो मतलब अल्लाह रहम ही करे सबके साथ, और अल्लाह सबको इतनी शदीद तेज़ धूप और गर्मी से बचाए। वैसे ना सोचो उन बेचारे मज़दूरों का या उन लोगों का जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अल्लाह सब पे रहम करे बहुत ज़्यादा, और उनकी वजह से अल्लाह ताला हम पे भी बहुत ज़्यादा रहम करें। बहुत ही गर्मी है भाई। तो मैंने तो यही सोचा है कि व्लॉग बनाया करूँगी शाम 5-6 बजे के बाद जाके, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है टॉप 5 चीज़ों की ना सीरीज़ आपके साथ। जैसे भी मैंने जो वीडियो लगाई है वो बिरयानी की लगाई है, अब मैं सोच रही हूँ कि 5 बेस्ट जो हैं लाहौर के वो पिज्ज़ाज़ हम लोग जाके फाइंड करें, और इसके बाद इसी तरह आइसक्रीम्स हो जाएं, कॉफ़ी हो जाए, तो जो मेरी टू डू लिस्ट में आता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, वो फिर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो चलें लेट्स गो। आज जो है ना वो मेरा प्लान है कि मैं लाहौर के बेस्ट 5 पिज़्ज़ास की जो प्लेस है ना वो डिस्कवर करूँगी, जो मुझे पसंद है और जो मैंने गूगल की है। तो वैसे ना मैंने जब गूगल किया तो काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट पर बहुत डिफरेंट जो है ना वो लोगों के रिमार्क्स हैं, लेकिन उसमें से जो एक दो है ना वो मेरे भी फेवरेट हैं। तो चलिए लेट्स गो और देखते हैं चल के कि हम लोग पहले किधर जाते हैं। वैसे फॉर मी ना फॉर वन जो है वो NY212 है, तो सो लेट्स गो। ये देखिए हमारे आम के दरख्त पे ना अभी तक आम नहीं आए, स्टिल बूर लगा हुआ है पता नहीं क्यों, और उबर आ गई है और अब हम लोग जा रहे हैं। तो चलें जी विजिट करते हैं चल के और मज़े का एक्सपीरियंस इंजॉय करते हैं। सो द फर्स्ट प्लेस इज NY212। NY मीन्स न्यू यॉर्क, और 212 जो है वो नॉर्थन अमेरिका का एक न्यूमेरिकल एरिया कोड है। अच्छा ये तो बहुत सीरियस बातें हो गई, हम तो पिज्ज़ा खाने आए थे। तो जी मेरे लिए ये हमेशा से ही नंबर 1 है, और बहुत से और लोगों के लिए भी, और जब मैं गूगल करती हूँ तो NY212 हमेशा से जो है वो नंबर 1 पे आता है। इसलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले इधर आते हैं और इनका पिज्ज़ा ट्राई करते हैं। तो चलें जी ऑर्डर करते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट रिव्यू करते हैं। इसका एम्बियंस चेक कर लें, इंतहाई नीट एंड क्लीन, बहुत मज़ा आता है बैठ के, बड़ा यूनिक सा इनका एम्बियंस है। और अब मैंने इनका मंगवाया है मेन्यू, और आप लोग उसके रेट लिस्ट भी चेक कर लें। वैसे मेरा ख्याल से अब तो बिल्कुल कैजुअली हो गया कि हर जगह पर जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो ऑलमोस्ट 2000 का है, और जो मीडियम है वो 1300 का है। जी तो पिज्ज़ा हमारा आ गया, और मैंने इनका स्पेशल जो है ना सिग्नेचर पिज्ज़ा वो मंगवाया था NYPD। अच्छा एक ना NY स्पेशल भी था, लेकिन वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाना था इसलिए मैंने उसको नहीं मंगवाया। उसके अंदर 4 फ्लेवर्स हैं, तो इसके अंदर मुझे मिले हैं 2 फ्लेवर्स। उन्होंने ऑप्शन मेरे से पूछी थी, एक इनका ना चिकन सुप्रीम बहुत अच्छा होता है, मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, और दूसरा अगर चिकन के अलावा मैं कुछ भी पिज्ज़ा में खाना पसंद करती हूँ तो वो है बीफ पेपरोनी, तो साथ मैंने वो मंगवाया। तो चलें जी 2 फ्लेवर्स के टेस्ट टेस्ट हो जाएंगे, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छा जो काम है ना इस टाइम वो ये है कि मेरे बिल्कुल पीछे एसी चल रहा है, इतनी शदीद बाहर गर्मी है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। अच्छा स्मेल सो गुड, कुछ चीज़ों की ना स्मेल बहुत अच्छी होती है, मतलब इनके पिज्जा की जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है ना वो ये है कि इसमें इतना स्मोकी सा फ्लेवर आता है जो इसको दूसरे पिज्जा से ना बहुत डिफरेंट करता है। प्लस मुझे लगता है कि इसके अंदर वेजिटेबल कुछ ज्यादा होती है, जो वेजिटेबल लवर्स के लिए तो खैर बहुत अच्छा होगा। चिकन भी है और लेट मी ट्राई अगेन, क्योंकि ये मेरा 1 ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिज्जा है। मैजिक, इट्स मैजिक, ये देखें नहीं, थोड़ा सा नीचे करें और ये देखे मैजिक।
ये देखें नंबर वन पे, ये इसलिए भी है कि यहाँ पे मैजिक होता है। तो अच्छा जी, ये तो मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे तो ये बहुत पसंद है। लाइक जितने भी अभी तक मैंने पिज्जाज खाए हैं ना, मेरे लिए NY212 हमेशा ही नंबर वन पे रहा है। मैं इसको रेट करूंगी 9.5/10। और अब मैं पेपरोनी वाला फ्लेवर भी खाती हूँ, तो उसको भी रेट करते हैं। पेपरोनी पिज्जा इज वन ऑफ द पॉपुलर एंड आइकॉनिक वैराइटीज ऑफ पिज्जा इन वर्ल्ड वाइड। मतलब जो पेपरोनी पिज्जा है ना, वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। और मतलब चिकन पेपरोनी भी होती है, बीफ पेपरोनी भी होती है, क्योंकि मैंने इतने चिकन 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 के आगे पिज्जाज खाने हैं, और बीफ पेपरोनी पिज्जा जो है वो सिर्फ यहीं का अच्छा है। सो लेट्स ट्राई, टेस्ट करते हैं इसको। एज ऑलवेज मुझे पेपरोनी बहुत पसंद है, पेपरोनी पिज्जा भी बहुत पसंद है, बहुत चूई है। मतलब इन लोगों का ना एक अपना ही टेस्ट है, जिसका इनकी ना एक बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है, इनकी जो पिज्जा सॉस होती है उसमें से भी, जो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी है। सीरियसली बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही उम्दा, आला, सुपर से भी ऊपर वाला। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब आप लोग NY212 को टेस्ट करते हैं, तो आप लोग इनका कौन सा वाला फ्लेवर पसंद करते हैं। फॉर मी पेपरोनी। अच्छा, इनका मलाई टिक्का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थी, तो मैंने यही ऐसी ऑप्शन अवेल की है जो मतलब ऑलमोस्ट सब ही खा सकते हैं। तो चलें जी, मैं इसको ओवरऑल रेट करूंगी 9.5/10। बाकी बातें हम लोग करेंगे कमेंट्स में। तो चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय। मेन्यू आप इन लोगों का चेक कर ले, मेन्यू में काफ़ी वाइड रेंज है, पिज्ज़ाज की भी बहुत ज़्यादा, मतलब आपको डिप एंड भी मिलेगा, थिन क्रस्ट, क्रस्ट भी आपको हर तरह की मिलेगी, और फ्लेवर भी ऑलमोस्ट सब है। सो हेयर आई एम एट चीजियस, इसको मैंने रखा है नंबर टू पे। इनका जो क्राउन क्रस्ट पिज्ज़ा है ना, वो कि अल्टीमेट किस्म का यम्मी पिज्ज़ा है। अभी तक मैंने वो लाहौर में ऐसा पिज्ज़ा नहीं खाया। हाँ, अगर आप लोगों को पता है कि कहीं से क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त मिलता हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, और तकरीबन 15 मिनट के वेट के बाद हमें मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग करते हैं टेस्ट। टेस्ट सो इधर आ गया मेरा पिज्ज़ा, और इसकी जो क्वालिटी है ना, वो है इसकी क्रस्ट, जो इसकी फाउंडेशन है। सो लेट्स ट्राई। इनके फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, इनकी जो चीज़ है और चीज़ की जो लेयर है, और जो इनके पिज्ज़ा के स्पाइसेस हैं, वो दी बेस्ट हैं, जो इसको सबसे मुनफरद और डिफरेंट करते हैं। मतलब ये इतना अच्छा पिज्ज़ा है कि जिसके जो फ्लेवर्स हैं ना, वो माउथ वाटरिंग है। मैं इसको रेट करूँगी 9.5/10, और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पिज्ज़ा कैसा लगा, अगर आपने खाया। अदरवाइज़ अगर आपने इसके कोई और फ्लेवर्स ट्राई किए हैं, तो आपको अच्छा। इनका क्राउन क्रस्ट जो पिज्ज़ा है ना, वो इतना फेमस क्यों है, क्योंकि मोस्टली जो पिज्ज़ा की साइड होती है ना, वो बिल्कुल खाली होती है। बच्चे तो उसको छोड़ ही देते हैं, और अमूमन मैं भी छोड़ देती हूँ, लेकिन आप ये देखें कि जो इनका क्राउन है ना, वो भी अंदर से फुल ही फिल होता है, और इस वजह से इनका जो क्राउन क्रस्ट पिज्जा है ना, वो बहुत फेमस है। तो चलें जी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस पे। लेट्स गो। सो द थर्ड प्लेस इज पॉकेट नाइफ पिज्जा। लाहौर में जब तक पिज्जा हट था ना, मुझे कोई भी और पिज्जा ब्रांड कभी भी पसंद नहीं था। हाँ, मैं ट्राई ज़रूर करती थी, टेस्ट ज़रूर करती थी, पर नंबर वन पे ना हमेशा मेरे लिए पिज्ज़ा हट ही होता था। लेकिन जब से पिज्ज़ा हट ख़त्म हुआ, उसके अलावा भी बहुत ब्रांड आ गए हैं, जैसे कि NY21 जो है, वो मेरे लिए मतलब हमेशा ही कहीं ना कहीं नंबर वन पे रहता है। चीजियस जो है, उसको मैं नंबर टू पे ले आई हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। और नंबर थ्री पे जो है वो ये पॉकेट नाइफ है। इसको मैंने फैसलाबाद में ट्राई किया था, तो मैं सोचती थी कि ये लाहौर में क्यों ओपन नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल अब जब मैं ये टॉप फाइव जो डिशेज़ हैं उनकी सीरीज स्टार्ट की है ना,
तो पिज्ज़ा में मुझे इसको थर्ड नंबर पे लाना ही पड़ा है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा है और मैंने ऑर्डर भी किया है इनका पॉकेट नाइफ स्पेशल। तो चलिए जी इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट टेस्ट करते हैं और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने अगर टेस्ट किया है तो आपको इसका कौन सा फ्लेवर पसंद है। पिज्जा जो है ना वो आ गया और अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। इतना माउथ वाटरिंग है सीरियसली, जब बिल्कुल एक पिज्जे का अपना अच्छा सा ओरिजिन, एक अपना अच्छा सा टेस्ट होता है ना, एक अपना फ्लेवर होता है कि हम पिज्जा खा रहे हैं, जैसे बिरयानी का एक अपना फ्लेवर होता है, एक अपना अरोमा होता है, एक अपना टेस्ट होता है। एग्जैक्टली इनके जो फ्लेवर्स हैं ना वो बिल्कुल वैसे ही हैं। चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। आपको पता है आजकल ना बहुत सारे जो पिज्ज़ा ब्रांड्स हैं उन्होंने क्या किया है कि चीज़ की जगह जो है ना क्रीम ऐड करना शुरू कर दी है, जिससे जो चीज़ का फ्लेवर और लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही आउट क्लास है। फॉर मी पिज्ज़े का जो सही टेस्ट है ना वो किसी भी सॉस के बगैर और जिंजर पाउडर वगैरह केचप के बगैर, अगर आपने उसको टेस्ट करना है, उसका ओरिजिनल टेस्ट लेना है कि वो कैसा है, तो सुपर से भी ऊपर वाला लेवल है और मैं इसको रेट करूँगी 9/10। तो चलें जी अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस पे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने अगर पॉकेट नाइफ का पिज्ज़ा खाया हुआ ना तो आप लोगों को उसका कौन सा फ्लेवर पसंद है। और मुझे तो इनका पॉकेट नाइफ स्पेशली बहुत अच्छा लगता है और बाकी आज तक मैंने इनका शायद एक मलाई बोटी फ्लेवर टेस्ट किया हुआ है। तो बस चलें चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। एम्बियंस आप लोग इसका देख लें, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एम्पल प्लेस है। आप लोग इधर फैमिली पार्टी या कोई बर्थडे पार्टी भी कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर और चल के जी हम लोग अपना पिज्ज़ा ऑर्डर करवाते हैं। मेन्यू आ गया है, आप लोग इसको जूम इन करके चेक कर लें और बाकी फर्दर जो डिटेल्स हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो फॉर मी यहाँ पे मैं आई हूँ फोर्थ नंबर पे, ये है जी 14 स्ट्रीट पिज्ज़ा। ये मैंने 2-3 बार पिज्ज़ा खाया हुआ है। इनकी जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये आपको पिज्ज़ा कस्टमाइज भी करके देते हैं, ठीक है। ये है जी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में आपने कौन सी क्रस्ट लेनी है, स्टेप 2 में आपको कौन सी सॉस लेनी है और स्टेप 3 में आपने कौन सा फ्लेवर चूज़ करना है और स्टेप जो 4 है ना उसमें आपने बताना है कि आपने कौन कौन सी वेजीज जो हैं वो लेनी है। तो ये है जी इनका सबसे स्पेशल मेन्यू जो मेरा ख्याल से कोई भी और पिज्ज़ा ब्रांड नहीं दे रहा फिलहाल, मैंने एटलीस्ट नहीं खाया। अगर आप लोगों ने खाया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। उसके अलावा भी इनके पास काफ़ी कुछ है, लाइक स्वीडिश में काफ़ी कुछ है, केक की बहुत वैरायटी है, लेकिन हम लोग आए हैं पिज्ज़ा खाने के लिए। तो अगेन मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने 14 स्ट्रीट का पिज्ज़ा ट्राई किया हुआ और कौन कौन सा फ्लेवर ट्राई किया। अच्छा, मतलब काफ़ी देर से जब से हम मैं पिज्ज़ा की वीडियो बना रही हूँ ना, तो इतने भी नॉन स्पाइसी से और जो मतलब टिक्का फ्लेवर और ये वो सारे फ्लेवर आप लोगों के सामने जो जो खाए हैं, तो अब दिल कर रहा है कुछ स्पाइसी से खाने को। तो यहाँ पे आके इनका स्पेशल मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है पेरी पेरी, और वैसे मैंने इनका सुप्रीम भी ट्राई किया हुआ है और पेपरोनी भी, क्योंकि पेपरोनी मैंने NY212 में ऑलरेडी खा लिया हुआ है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों ने चिकन सुप्रीम भी खा लिया है तो अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग मंगवाएँ पेरी पेरी। थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। तो चलें जी अब पेरी पेरी का रिव्यू करते हैं और अगेन 15 मिनट्स हैं हमारा ऑर्डर आने में। अच्छा जी, मैंने ना पेरी पेरी पिज्ज़ा मंगवाया था और अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। वैसे ना ये मेरे पीछे ऐसे लगा हुआ जैसे मैं पेरी पेरी खाऊंगी और आग बुझानी पड़ेगी। अच्छा, मंगवाया तो मैंने पेरी पेरी फ्लेवर था पर ये उतना स्पाइसी नहीं है जितना मुझे लग रहा था। बाकी जिस तरह सारे पिज्ज़ास खाए हैं ऑलमोस्ट वैसे ही है, बहुत ज़्यादा स्टफ्ड है ये देखें। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, जब पैसे कम हो लोग ज़्यादा हों तो आप उनको लेके इधर आ जाएं, सब एक एक पिज्जे का स्लाइस खाएंगे और सबका पेट भर जाएगा। क्योंकि ऐसे होता है कि जब सब आते हैं तो वो दो तो स्लाइस
मतलब एवरेज एक बंदा खा ही लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना ये पर पर्सन पर स्लाइस ही शायद खा सकते हैं। अच्छा, इसमें से ना मुझे कुछ मीठा मीठा सा फील हो रहा है, वो शायद जैसे इन्होंने थाउजेंड आइलैंड सॉस, अगर आप लोगों में से हर बहुत सारे लोगों ने ट्राई की होगी तो थाउजेंड आइलैंड जो सॉस है ना उसका बहुत रिच टेस्ट आ रहा है। तो अच्छा पिज्ज़ा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्राई नहीं कर सकते। मैं इसको रेट करूँगी 7.5/10। तो चलें जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, सो लेट्स गो। जब मैंने पिज्ज़ा खाया इनको पता चला कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इन्होंने कहा कि हमें आपकी ऑनर में आपको कुछ देना है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, इनके सारे स्टाफ की तरफ से इन्होंने मुझे एक बुके दिया है, थैंक यू सो मच, मैं इसको हमेशा याद रखूँगी। तो थैंक यू जी, आप इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत कॉपरेटिव है और बहुत ही अच्छा है, मतलब जिसने जिन्होंने मुझे फोन दिया वो अच्छे ही हो सकते हैं लोग। तो थैंक यू इन सबका, और थैंक यू आप लोगों का जो मेरा चैनल देखते हैं उसको पसंद करते हैं, और इन्होंने भी मेरे ब्लॉग्स को पसंद किया और मुझे फ्लावर्स दिए, सो थैंक यू सो मच। सो द लास्ट प्लेस इज डोमिनोज। डोमिनोज ना एक टाइम पे इनका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा होता था, मतलब पिज्ज़ा हट के बाद डोमिनोज तो मुझे बहुत ही पसंद था, लेकिन फिर कुछ आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ है कि नए टेस्ट आ गए, इनका टेस्ट वहीं पर स्टिल हो गया, लेकिन फिर भी टॉप फाइव में कहीं ना कहीं जो डोमिनोज है ना वो मेरे लिए फॉल करता है, मतलब टॉप फाइव में तो करता है। तो साथ साथ आप भी मुझे बताते रहे, सो चले अंदर चलते हैं और इनका कुछ अच्छा सा स्पेशल सा पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो जी मैंने इनके काउंटर से पूछा है कि आपका जो बेस्ट सेलिंग पिज्ज़ा है ना वो कौन सा है, इन्होंने कहा है कि एक टेक्समैक्स है, एक पेरी पेरी है। पेरी पेरी जो है वो थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, अगर तो स्पाइसी टू स्पाइसी मैंने करना हो ना कंपैरिजन तो फिर तो वो ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने बेस्ट पिज्ज़ा का रिव्यू करना है इसीलिए फिर मैंने जो है वो टेक्समैक्स ऑर्डर कर दिया। वो उन्होंने मेरे से 15 मिनट्स लिए हैं, 15 मिनट्स में हमारा पिज्ज़ा आएगा, तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो चले मेरे साथ ही वेट करें और क्या हो सकता है। तो जितनी देर आप लोग मेरा व्लॉग देखें है ना, साथ साथ मुझे कमेंट्स भी करके बताएं कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, क्योंकि ना इस व्लॉग के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आप लोग खुद सोचें, जो भी डेस्टिनेशंस होती हैं ना वो एक दूसरे से इतनी दूर 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 होती हैं, और मैं इतनी दूर दूर जा रही हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा पिज्ज़ा या कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए। तो मुझे कमेंट्स हर हाल में चाहिए। अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर भी कर दें, थैंक यू। पिज्ज़ा जो है वो हमारा आ गया, और देखें कितना शानदार ज़बरदस्त स्मेल तो मुझे आ रही है, और आप लोग खुद आएँ और इसको टेस्ट भी करें और स्मेल भी करें। अच्छा जी, इन्होंने पिज़्ज़ा हमें कुछ इस तरह से सर्व किया है, उसके साथ प्लेट्स के नाम पे इन्होंने हमें ये दिया है जिसमें हम पिज़्ज़ा खाएंगे, और साथ ये दो सॉस इन्होंने हमें सर्व किए हैं। सो तो चलें जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे लग रहा है इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एलोपिनोज डाले हुए, सो बहुत एलोपिनोज ना मेरे मुंह में आया, तो बहुत ही टैंगी सा फ्लेवर लग रहा है, थोड़ा सा स्पाइसी भी है। यार सीरियसली बहुत डिफरेंट और बहुत बहुत यम्मी फ्लेवर आ रहा है। अच्छा इसके अंदर ना पिज्ज़ा सॉस का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, और सारी चीज़ों का अपनी अपनी जगह एक टैंगी सा, एक स्पाइसी सा, बहुत यम्मी सा जो है ना वो टेस्ट आ रहा है। ये सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा है, पता नहीं मैं क्यों इसको नंबर 5 पे ले आई हूँ, या शायद काफ़ी अर्से से मैंने खाया नहीं था। तो चलें जी अब इसको थोड़ा सा हम लोग ना इनकी जो सॉस है उसके साथ करते हैं। अच्छा थिन क्रस्ट मैंने खुद करवाई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पिज्ज़ा जब थिक क्रस्ट के साथ आता है ना तो उसके इतने फ्लेवर्स नहीं आते, मतलब वो सिर्फ डो डो का ज़्यादा टेस्ट आता है। तो सिर्फ एक चीज़ की कमी आ रही है और वो है चीज़ की, लाइक पूरे पिज्ज़ा के ऊपर लग रहा है कि बहुत थोड़ी सी चीज़ डाली हुई है, शायद इसीलिए ये लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा पिज्ज़ा, लेकिन अदरवाइज इसके फ्लेवर्स बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं। आप लोग मेरे कहने बिना इसको ज़रूर ट्राई करें, मतलब आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।
मैं इसको रेट करूंगी 8.5 ऑन 10।